हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब जाना? अच्छे होंगे आई होप। इस पेंडेमिक सिचुएशन में कोई अच्छा नहीं है, बट बी पॉजिटिव, स्टे एट होम, बी सेफ ऑलवेज। ओके, मेरे फेसबुक पेज पे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं सेफ्टी से रिलेटेड, सो मैंने सोचा कि चलो ये उस पर एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि क्या है उस पर जो क्वेश्चन था आप इधर देख रहे होंगे, जो एफवी पेज पे उन्होंने पूछा है, एक्चुअली क्या है कि आईओएस का जो सर्टिफिकेट है उसको कैसे वेरीफाई किया जाए कि ये फेक क्या है और रियल कौन सा है, फेक कौन सा है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। स्टार्टिंग के टाइम पर मेरे पास में भी जो आईओएस का सर्टिफिकेट था, मैं भी बहुत सर्च किया कि कैसे पता करेंगे कि ये वेरीफाइड है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है। सो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए और क्लियर किया जाए। सो इस वीडियो में हम सिर्फ 2 मिनट में आप अपने फ़ोन से ही ये चेक कर पाएंगे कि आपका जो आईओएस का सर्टिफिकेट है वो फेक है या रियल है, वैलिड है या अनवैलिड है, या आप पता कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलते हैं गूगल को ओपन करते हैं। गूगल को ओपन किया, यहाँ सबसे पहले एक्चुअली हमें आईओएस का जो सर्टिफिकेट है वो वेरिफिकेशन करने के लिए उसके वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो हमने गूगल ओपन कर लिया है, इस पे के बाद हम क्या करेंगे, www.ios.com पहला ऑप्शन आया, हमने क्लिक किया। ये आयुष का जो मेन होम पेज है वो ओपन होकर के आया। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो 3 लाइंस दिए गए हैं इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको ये ड्रॉप डाउन्स दिखेंगे, इसमें हमें कहाँ जाना है, ट्रेनिंग आई थिंक, यस हमें जाना है ट्रेनिंग एंड स्किल में। ट्रेनिंग एंड स्किल को हमने ड्रॉप डाउन किया तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक ऑप्शन है एम्प्लॉयर्स, ठीक है, आपको दिख रहा होगा एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर को क्लिक करेंगे, एम्प्लॉयर का ऑप्शन आएगा। यहाँ से हम रिलेटेड पेज पे जाएंगे, रिलेटेड पेज पे जाने के बाद एम्प्लॉयर्स में जो ड्रॉप डाउन है लास्ट ऑप्शन है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चेकर, इस पर क्लिक करेंगे, ये ओपन हो रहा है। यस ऑप्शन आ गया, अब लिखा है वैलिड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, इससे हम नीचे आएंगे। यस हमें जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, सर्टिफिकेट नंबर हमें जो फिल करना है, सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है, और वो सर्टिफिकेट नंबर कौन सा होता है, आपका आईओएस है, आईओएस का जो सर्टिफिकेट है उसके लास्ट में, इसे यहाँ पे भी लिखा है यू विल फाइंड दिस इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सर्टिफिकेट। जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसके बॉटम में है और राइट कॉर्नर पे, राइट हैंड साइड में बॉटम पे कॉर्नर पे सर्टिफिकेट नंबर्स लिखे होते हैं, वो आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम लिखना है, सर्टिफिकेट में जैसा नाम है वैसा ही फर्स्ट नेम लिखना है, सरनेम लिखना है आपका, उसके बाद वैसे ही जैसे सर्टिफिकेट में आपने मेंशन किया हुआ है, कोर्स का नाम लिखना है इसमें आपका। तो मेरे पास एक भाई साहब ने अपना सर्टिफिकेट भेजा था वेरीफाइड करने के लिए, सो आइए उनके डिटेल्स फिल करके देखते हैं कि उनका वैलिड है या नहीं। इनका सर्टिफिकेट नंबर मैं फिल करता हूँ, सर्टिफिकेट नंबर है MS52158 कैपिटल T। ओके, इनका फर्स्ट नेम है फजल, सरनेम इनका है सुभान। ओके, कोर्स नेम है मैनेजिंग सेफली। ओके, ये एक बार देख लीजिए आप, सारा डिटेल्स भर गया है, सर्टिफिकेट नंबर भर दिया, फर्स्ट नेम हो गया, सरनेम हो गया, कोर्स का नाम हो गया, अभी हमें क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट किया, यस इसको हम लोग ऊपर जाएंगे। यस आप देखिए सर्टिफिकेट फाउंड, और सर्टिफिकेट हैज़ बीन फाउंड यूजिंग द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड। ठीक है, आपका सर्टिफिकेट है ये वैलिड है, यानी ये जो भी हमने
यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमने पुट किया था उस इंफॉर्मेशन के बेस पे वो जो सर्टिफिकेट है वो क्या है, वेरीफाइड है। और यहाँ वेरीफाइड का मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड भी वेरीफाइड है, क्योंकि ये जो है ये वेबसाइट जो है वो आईओएस का है, वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे हमने ये जो सर्टिफिकेट हुआ है वो फाउंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखा आपने, सिर्फ 2 मिनट में आप आराम से चेक कर सकते हैं, कि आप अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके।